Good morning students. So today we are taking some problems based on circular and hyperbolic function. So let's start the question number 1. It is prove that tan inverse z equals to I by 2 log base e into I plus z over I minus z. Now let सबसे पहला स्टेप लेट tan इनवर्स z इसको कुछ आप मान लीजिए लेट tan इनवर्स z इक्वल्स टू से थीटा ओके सो z इक्वल्स टू व्हाट tan थीटा अब प्रूफ देखिए प्रूफ में क्या है सो z इक्वल्स टू tan थीटा ना अब आप प्रूफ देखिए क्या लिखा है प्रूफ दिखा है i प्लस z ओवर i माइनस z तो यदि मैं z डिवाइड बाय i कर दूं tan थीटा बाय i कर दूं मतलब दोनों तरफ डिवाइड कर दूं i से और फिर कंपोनेंट और डिविडेंड और प्रॉपर्टी हम लगा दें तो आपको देखो ये मिल जाएगा बाकी हम बाद में देखेंगे क्या है कंपोनेंट और डिविडेंड मैंने आपको बताया था यदि इफ a बाय b इक्वल टू c बाय d है तो अगर वो प्रॉपर्टी आप लगाते हैं तो a प्लस b बाय a माइनस b इक्वल टू c प्लस d बाय c माइनस d हो जाता है तो सेम ऐसे डिवाइड बाय i बोथ साइड डिवाइड बाय आई आई से आप डिवाइड कर लीजिए बोथ साइड्स सो व्हाट इट विल बी जेड बाय आई इक्वल्स टू टेन थीटा बाय आई नाउ व्हाट वी विल डू अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सो कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो क्या मिलेगा z प्लस आई ओवर z माइनस आई इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर tan थीटा प्लस आई ओवर tan थीटा माइनस आई राइट अब आपको क्या करना है अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा अब क्या करेंगे हम लोग जो tan थीटा लिखा हुआ है इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा tan थीटा इन साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस आई राइट तो इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप आप एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेम कॉस थीटा तो आप ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा सो व्हाट इट विल बी दिस इज ऊपर से आप चाहे आई कॉमन निकाल लीजिए चलो आई कॉमन निकालते हैं आई तो कॉस थीटा पहले आ जाएगा तो यहाँ साइन है प्लस तो माइनस आई बिकॉज I इंटू आई आई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस हो गया प्लस साइन थीटा राइट डिवाइडेड बाई इधर से भी आप I कॉमन निकाल लें तो I नहीं माइनस आई यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस आई तो कॉस थीटा राइट अब यहाँ क्या है प्लस साइन है तो अगर मैं माइनस आई करूँ तो देखिए माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो गया और आई स्क्वायर माइनस वन और हमें क्या चाहिए प्लस तो इसको प्लस आई कर लीजिए राइट क्योंकि माइनस है आई इंटू आई आई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस हो गया प्लस साइन थीटा ओके इतना काम हो गया ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा अब थोड़ा सा न्यूमरेटर की तरफ देख लीजिए न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए यहाँ पे देखिए ऊपर आई प्लस जेड ओवर आई माइनस जेड तो मैं इसको थोड़ा सा वैसे फॉर्म में लिख लेता हूँ जैसे मुझे चाहिए तो इसको मैंने लिखा आई प्लस जेड और यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा आई माइनस जेड राइट ठीक है तो अब देखिए माइनस से माइनस ये आई से तो पहले ये आई कैंसिल कर लीजिए इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा आपका ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया सो व्हाट इट विल बी दिस इज आई प्लस जेड ओवर आई माइनस जेड और इसको क्या लिख लेंगे हम लोग हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर फंक्शन तो इसको क्या लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज ई टू पावर माइनस आई थीटा और इसको क्या लिख लेंगे ई टू पावर आई थीटा ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो आपने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ वाई ई टू पावर आई वाई
कॉस वाई प्लस आई साइन वाई तो बिल्कुल सेम है राइट। तो इसको आप ऊपर ले आइए, ई टू पावर माइनस आई थीटा, ई टू पावर आई थीटा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज ई टू द पावर माइनस टू आई थीटा, ये जुड़ जाएगा ऊपर जाके क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई थीटा और माइनस आई थीटा दैट इज माइनस टू आई थीटा। आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, आप लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे तो यहां क्या जाएगा, लॉग ऑफ बीस ई आई प्लस जेड ओवर आई माइनस जेड, और इधर लॉग लिया तो ये आपका आ गया माइनस टू आई थीटा राइट, इतना आ गया। इसके बाद में अब आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए क्योंकि टेन वर्स जेड चाहिए आपको लेफ्ट साइड में, तो थीटा इक्वल टू लिख लीजिए कितना जाएगा, तो यहाँ से थीटा अगर इक्वल टू मैं लिखूँ तो क्या आएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू आई लॉग ऑफ बेस ई आई प्लस जेड ओवर आई माइनस जेड राइट। प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या आइए, अगर मैं माइनस वन को आई स्क्वायर लिख सकता हूँ तो माइनस वन को आई स्क्वायर लिखा तो एक आई कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, लेफ्ट साइड में बचेगा थीटा कितना, टेन इनवर्स जेड, थीटा की वैल्यू जो हमने ऊपर लेट की थी, माइनस वन को लिख लिया मैंने आई स्क्वायर, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका सिर्फ आई, तो आई बाय टू लॉग ऑफ बेस ई आई प्लस जेड ओवर आई माइनस जेड, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेस्ड ऑन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।